इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन अब पूरे तरीके से चांद में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं जब हिंदुस्तान चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही अंतिम क्षणों में परेशानी भरा होगा। जी हाँ, जब विक्रम लैंडर को चांद में लैंड करवाया जाएगा उसके 19 मिनट पहले ही इसरो के वैज्ञानिक से इसका कोई भी संपर्क नहीं रहेगा। और ये वही 19 मिनट हैं जिसमें चंद्रयान 3 की असली ताकत का पता चलेगा और ये मिशन कितना सफल होता है ये भी इन्हीं 19 मिनट के अंदर पता चलेगा। तो आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के वो 19 मिनट जो इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। And India is all set to make history. Chandrayaan 3 mission. The craft has been brought closer to the moon's surface. इतिहास लिखने से अब महज एक कदम की दूरी पर है। सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी तैयारी की जा चुकी। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 19 मिनट के दौरान लैंडर गति पर नियंत्रण करने के साथ ऑन बोर्ड सिस्टम से ही साउथ पोल पर उतरने की चंद्रयान खुद ही जगह चुनेगा। उस दौरान उसे इसरो के कमांड सेंटर से कोई भी निर्देश नहीं दिया जा सकेगा। ये वही टाइम होगा जब चंद्रयान में जो कंप्यूटर सिस्टम और सेंसर और कैमरे लगे हुए हैं उसकी मदद से खुद चंद्रयान सुरक्षित जगह का अनुमान लगाकर लैंडिंग करेगा। लेकिन इस बार इसरो ने इसके लैंडर में भी काफी बदलाव किए हैं। पिछली बार जब हमारा चंद्रयान 2 उतरा था उसमें 5 थ्रस्टर लगे हुए थे, मगर इस बार लैंडर के चारों पैर के पास एक एक थ्रस्टर हैं जो बारी बारी से चलेंगे। और ये जो थ्रस्टर लगे हुए हैं ये वही थ्रस्टर हैं जो अब तक लैंडर को एक गति दे रहे थे, लेकिन अब इन थ्रस्टर को विपरीत दिशा में चलाया जाएगा जिससे चंद्रयान की गति कम होती जाएगी। और एक ऐसा वक्त आएगा जब चंद्रयान की गति करीब शून्य हो जाएगी जहां से चंद्रयान खुद सुरक्षित जगह स्कैन करके उतर जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार इसरो ने लैंडर के चारों पैर इतने मजबूत कर दिए हैं कि उतरते समय अगर गति 3 मीटर प्रति सेकंड भी होती है तो भी चंद्रयान सुरक्षित लैंड हो जाएगा। और अगर चंद्रयान सही दिशा और सही जगह में उतरता है तो उतरने के करीब 2 घंटे बाद चंद्रयान का रैंप खुलेगा और उसके बाद जो हमारा प्रज्ञान रोवर है उसे निकलने में करीब 45 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद भारत चांद पे उतरने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। तो हम भी चंद्रयान के सफल लैंडिंग की कामना करते हैं और आप लोग भी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और चैनल पे नए हो तो ऐसे ही अमेजिंग और फैक्ट वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।